ये है टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिटरमाइन वैल्यू ऑफ प्लांक कॉन्स्टेंट एच. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अपन को प्लांक कॉन्स्टेंट निकालना है. सर वही मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है. फॉर्मूला अपन को ये यूज़ करना है, एच इक्वल टू ई वी नॉट अपॉन सी लैम्बडा. कौन क्या है ये बता. ई है इलेक्ट्रॉन, वी है स्टॉपिंग पोटेंशियल, सी लाइट वेलोसिटी और लैम्बडा है अपना वेवलेंथ. ठीक है, ये अपन को चीज़ नहीं देखनी है, ये गलत है. ये एमएससी वालों के लिए अपना फॉर्मूला, बीएससी वालों के लिए ये बनेगा. फिर उसके बाद ये है इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल, येलो ग्रीन और ब्लू के लिए. तीन चीज़ों के लिए अपन को ये ऑब्जर्वेशन टेबल निकालनी है. अब उसके बाद अपन को काम क्या करना है वो देखते हैं. और अपन को तीन फिल्टर दे रखे होंगे, ब्लू ग्रीन और येलो. ये तीन फिल्टर हैं अपने पास. ये ग्रीन का है सबसे डार्क वाला, ये येलो का है और ये ब्लू का है. ये तीन फिल्टर हैं. इन तीन फिल्टर की वेवलेंथ होती है, ब्लू की होती है तो आपको 5220, ग्रीन की होती है 5450 और येलो की होती है 5700 एंगस्ट्रॉम. इनकी लैम्बडा की वैल्यू होती है. अब ये है अपना सेटअप, ये पूरा सेटअप. इसको ऑन करते हैं. इसको ऑन करने के सबसे पहले इसको ऑन करते हैं. इसको ऑन करने के बाद ये यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू बताएगा. तो अपन को इसको वैल्यू को करना है कम. इसको भी जीरो करना है और इसको भी जीरो करना है. दोनों लगभग जीरो के बराबर रहते हैं. इसको जीरो पे सेट कर दूँ, 0.4 लगभग इतना आ जाए तो ठीक है. अब उसके बाद अपन को ये मर्करी चौक की जो है ये बैटरी है अपनी, उसको ऑन करना है. इसको ऑन करते ही यहाँ पे लैंप ऑन होगा. देखिए लैंप ऑन है, ये लैंप ऑन होगा तो करंट बढ़ेगा. ये लगभग 40 से 50 के बीच में तक बढ़ेगा. ठीक है, 40 से 50 तक बढ़ेगा. तब तक अपना करना है वेट. एक और चीज़ है इसमें कि अगर इसको अपन पास ले जाएंगे तो करंट वैल्यू आएगी ज़्यादा, इसको अपन दूर ले जाएंगे तो करंट की वैल्यू आएगी कम. तो अपन को लगभग इसको करना है पास ही, ताकि अपन की करंट की वैल्यू जल्दी बढ़े. अब सपोज़ कीजिए ये 40 से 50 के बीच में आ गया, ये धीमे धीमे बढ़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बढ़ने में. 40 से 50 के बीच में लगभग आ गया सपोज़ कीजिए लेट. फिर उसके बाद अपन को तीन फिल्टर का यूज़ करना है. तीन फिल्टर, जैसे कि ये मैंने सबसे पहला फिल्टर लिया येलो, येलो फिल्टर को मैंने यहाँ पे सेट करना है. अब चूँकि ये 7 कलर ऑफ लाइट यहाँ से पास हो रहे हैं, ये है खाली येलो, सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट इसको डालने से पास होगी. मोनोक्रोमेटिक लाइट डालेंगे तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हो जाएगी कम. यानी कि जो 40-50 तक गई थी वो अब सीधा 10 या 5 पे आ जाएगी. अब इसको अपन को करना है जीरो पे, इसकी हेल्प से, स्टॉपिंग पोटेंशियल की मदद से. यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा अपन को नेगेटिव. अगर मैं नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू हो जाएगी कम. तो ठीक है, इसको मैं नेगेटिव में बढ़ाता हूँ. देखिए इसकी वैल्यू हो रही है कम हो रही है, इसको और मैं बढ़ाता हूँ. ठीक है, जीरो हो गई. ये किस पे जीरो हुई? येलो फिल्टर पे. वैल्यू क्या है इसकी? माइनस का 0.480. अब माइनस का फोर क्या? माइनस का फोर क्या है? माइनस का फोर स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है. नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल. ठीक है, लेकिन माइनस अपन को इस टेबल में लिखना नहीं है, अपन को खाली 0.480 लिखना है. किसके लिए? येलो के लिए. ठीक, येलो के लिए. अब सेम वापस इसको मैंने हटाया, येलो वाले को हटाया, जीरो वोल्टेज जीरो. अब सेकंड चीज़ क्या करनी है? वोल्टेज को वापस नोट करने के बाद सेकंड चीज़ करनी है, इसको वापस किया मैंने जीरो पे. सब जीरो पे कर दो, सब जीरो पे कर दो. इसको कर दो बंद. फिल्टर निकालना है, सिर्फ वोल्टेज जीरो करना है और फिल्टर निकालना है. अब वापस नेक्स्ट फिल्टर डालना है, ग्रीन. ग्रीन का फिल्टर डाला मैंने. फिल्टर कोई सा भी डाल सकते हैं आप. ग्रीन के फिल्टर डालने से भी ये वैल्यू बढ़ेगी. फिर वापस मैंने इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना है. स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू कम होगी. कम होने का मतलब ये है कि इसको जीरो पे करना है, इसको जीरो पे सेट करना है इसकी मदद से. इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा. इसको बढ़ाया, ये जीरो पे मान लेते हैं, जीरो पे हो गया.
तो इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस के 0.2.2 माइनस के 0.220, ठीक है। अब माइनस वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन में अपन वैल्यू नोट कर देंगे 0.22 वापस इसको ज़ीरो करेंगे, किया इसको ज़ीरो, अब इसको हटाया, ग्रीन को हटाया, अब ब्लू फिल्टर डाला, ये ब्लू फिल्टर डाला, ब्लू फिल्टर डाला, फिर से यहाँ बढ़ेगी, इसको वापस मैंने बढ़ाया, ज़ीरो पे सेट किया, इसको ज़ीरो पे सेट किया, और ये इसकी वैल्यू आई है लगभग 1 आई है, तो 1 यहाँ पे 7 आई है, तो 7 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 7 लिख दिया। उसके बाद बस यही काम करना है, अब फॉर्मूले में डाल के सो सॉल्यूशन करके और फिर इसका आंसर निकाल देना है। ऑल द बेस्ट।